1 अप्रैल 2015 से आगरा में शुरू हुआ था यमुना रिवर कनेक्टिंग, जिसके 7 साल पूरे हो चुके हैं और 8वीं सालों में प्रवेश करने जा रहा है, इसलिए एक महा आरती का आयोजन कर रहे हैं। ये नित्य जो आरती हो रही है यमुना व्यू पॉइंट में, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। लोग इससे जुड़े हैं, आगरा के सभी लोग जुड़े हैं, 9 विधायक दिए आगरा ने, और लोगों की ये मांग है कि या बैराज बनना चाहिए या घाट बनने चाहिए, और बहुत ही अच्छा पिकनिक स्थल है। ताजमहल पे हजारों लाखों आदमी रोज आता है और ये देखिए कितना आनंद आता है। यही लोगों पिछले 7 वर्षों से हम पिछले 7 वर्षों से यहाँ रोज निरंतर यमुना आरती का आयोजन कर रहे हैं। मंदिर महंत श्री नंदन गुरु जी और उनके सुपुत्र श्री जुगल श्रोत्रिय जी के सौजन्य से यमुना आरती का आयोजन मुख्य रूप से सामाजिक और धार्मिक महत्व का है। हम लोगों को इससे जोड़ना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यमुना आंदोलन से जुड़ें और यमुना के शुद्धिकरण की मांग को बढ़ाएं, आगे करें, तथा बैराज के निर्माण की मांग को भी आगे रखें। हमारे मुख्य मांगे हैं कि तली झाड़ सफाई हो यमुना की, बिल्कुल यमुना में निरंतर पानी बहता रहे, कम से कम 65 क्यूसेक पानी निरंतर बहता रहे, और यमुना में लोअर मतलब डाउनस्ट्रीम में बैराज का निर्माण हो। अब हम 555 दिन पूरे करके 8वें वर्ष में जो प्रवेश कर रहे हैं, उसमें मुख्य रूप से जो हमारा कार्यक्रम है उसमें भजन संध्या श्रीमती निमिषा सिंगल द्वारा एवं नित्य ज्योति कला केंद्र के बच्चों द्वारा कथक की प्रस्तुति का कार्यक्रम है, साथ में भोग प्रसादी का कार्यक्रम है, और हम आपके माध्यम से सबको निमंत्रण देना चाहते हैं, आप अधिक से अधिक संख्या में आकर भोग प्रसादी ग्रहण करें। यमुना आरती महंत ये बताना चाहेंगे कि 1 अप्रैल 2015 से एक अभियान शुरू हुआ था रिवर कनेक्ट कैंपिंग, जो कि एक आरती का माध्यम दिया गया था, जिसमें लोगों को नदी से जोड़ना था आरती के माध्यम से, यमुना की दुर्दशा को लोगों को अवगत कराना उसका मुख्य उद्देश्य, और आगरा के लिए जो मुख्य मांग है बैराज की मांग, उसके लिए ये अभियान निरंतर जारी है। बिना किसी नागा के ये आरती नित्य रोज शाम को होती है। शहर के ही नहीं, विदेशों से भी लोग आकर आरती में शामिल होते हैं। साथ ही साथ उस आरती के अभियान के 7 वर्ष कंप्लीट होने के बाद वो 8वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। उसके उपलक्ष्य में 1 अप्रैल को यमुना महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है एवं बाल कलाकारों द्वारा नृत्य प्रस्तुत एवं भजन संध्या एवं महाआरती, जिसमें 7 आगरा के 7 मुख्य मंदिरों के महंत 7 आरतियां मुख्य रूप से रहेंगी। 108 दीपक अलग से महिलाओं समाज सेवी लोगों के द्वारा प्रज्वलित यमुना पर किए जाएंगे, दीपदान किया जाएगा। इसी के साथ यमुना के आगरा की बैराज की मांग को आगे आवाज़ को बुलंद किया जाएगा।